हाफिज जमान रिजवी ऑफिशियल की लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज जमान रिजवी और आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूंगा अलामा साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के मुतालिक और अलामा साद हुसैन रिजवी साहब के जो केस की समाअत होनी है उस पर बात करेंगे। तमाम दोस्त वीडियो को गौर के साथ देखिएगा, बहुत ही अहम अपडेट आपके सामने रखने वाला हूँ। उससे पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि हुकूमत अपनी हर धर्मी बरकरार रखते हुए अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को बगैर किसी वजह के मजीद 3 माह के लिए नजरबंद कर दिया है और इसके खिलाफ जो है हमारे वकला ने जो इसके खिलाफ एक्शन लिया है, हमारे वकला पर तशद्दुद भी किया गया, कल उनको मारा भी गया, जिनके अंदर औरतें भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे, उनको जिस्मानी चोटें भी पहुंचाई गई। लेकिन आपको बताता चला जाऊं, वकला अपने मौकफ से फिर भी नहीं हटे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम जो है अपना हक लेकर रहेंगे और अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा के ही सांस लेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे वकला जो है इस बार मजबूत दलाइल के साथ और कवी दलाइल के साथ जो कोर्ट के अंदर पेश होंगे, और उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह इस बार जो है वो फतह हमारी होगी। तो जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और आपको मैं बताता चला जाऊं कि इस बात के भी बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाए। वाले से वकला जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो तमाम दोस्त उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। वकला जो है वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसों के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए दिन रात एक करके वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी ये कोशिशें जो है अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।